हेलो यूट्यूबर्स, तो मैं हूँ सिद्धार्थ और एज माय नेम सजेस्ट सिड ड्रम्स। तो आज की वीडियो में मैं ये लाया हूँ कि हम देखेंगे कि अपना इलेक्ट्रिक ड्रम में कैसे रिकॉर्ड करता हूँ, और अगर आप लोगों के पास भी अगर है तो आप लोग उसको अपने लैपटॉप पे कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपके लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग का जैक नहीं है या माइक्रोफोन का जैक है सिर्फ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा ड्रम जो कि सिंपली कनेक्टेड है एक केबल से, जो कि है ये केबल। एक तरफ 3.5 mm जैक चाहिए और एक तरफ ये वाला। तो अगर आपके पास ये केबल नहीं है तो एक परचेज़ कर लीजिए। और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है ये साउंड कार्ड। तो फ्रेंड, अगर आपके पास साउंड कार्ड नहीं है तो एक परचेज़ कर लीजिए, या आपको किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर एक्सेसरीज की दुकान पे मिल जाएगी। हाँ, तो गाइस ये है साउंड कार्ड। इसको आप अगर ढंग से नहीं देख पा रहे हैं तो नाम देख लीजिए, क्वांटम ग्रुप की है। और ये एक तरफ से USB टाइप आता है और एक तरफ से इसमें दो जैक आते हैं। एक रिकॉर्डिंग का है जिसपे माइक बना है वो रिकॉर्डिंग का है, और एक हेडसेट वाला जो बना है वो है आउटपुट का, जिससे आप हेडफोन पर ला के सुन सकते हैं। तो ठीक है, जैसे आपको इसको प्लग इन करना है, मैं इसको कर देता हूँ प्लग इन। तो मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। इसके जो पतली वाली पिन थी उसको रिकॉर्डिंग वाले जैक में लगा दिया है, और जो मोटी वाली है वो आपके ड्रम में जाएगी। ड्रम का जो ये होता है फोन्स एंड आउटपुट, ये इसमें फिट बैठ जाएगी। तो आपको इसको परफेक्टली लगा देना है। तो गाइस, हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। अभी हमारा सारा अरेंजमेंट हो चुका है, अब हम सिंपल रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है ऑडासिटी। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा है, इसमें पिच टोन चेंज भी हो जाती। तो अगर आप लोग किसी और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो उसमें भी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, मैं रिकॉर्ड का बटन दबा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या असर होता है। ठीक है, तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं इधर से मार रहा हूँ, तो आप लोग आवाज़ सुन सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं, परफेक्टली रिकॉर्ड हो रही है। और ये जो आपको ठक ठक की आवाज़ आ रही है, ये अभी इसलिए आ रही है क्योंकि इसका बेस पूरा बड़ा हुआ है। वो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसके बाद मैं एडिटिंग करके पूरा उसका बेस नॉर्मल करता हूँ। ये क्रैश राइड वो सारे इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आ रही होगी, जो भी अलग अलग है। बेस बेस देख सकते हैं आप, बेस भी रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि रिकॉर्डिंग के साउंड क्वालिटी कैसी आई है। अभी डरिए मत, अगर ये बेकार भी आती है तो ये बेकार इसलिए है क्योंकि जो HP के जो स्पीकर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि अच्छा बेस दे पाएँ। तो अगर आप हेडफोन ला के सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छी आएगी। तो अभी मैं बता देता हूँ कि प्ले करके बता देता हूँ कि कैसी आवाज़ आ रही है, सुन लीजिए आप। ठीक है, ठीक है गाइस, ऐसी ये रिकॉर्डिंग होती है। और अगर आपके पास दूसरा तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि जो इलेक्ट्रिक ड्रम आता है पूरा अकोस्टिक टाइप में, जो दूर दूर जिसके पैड्स रहते हैं, और वो वाला यामाहा का, ये भी यामाहा का है पर ये कॉम्पैक्ट ड्रम पैड है फॉर हाउस पर्पस। तो अगर आपके पास दूसरा वाला इलेक्ट्रिक वो ड्रम सेट है तो वो भी रिकॉर्ड इसी तरीके से होता है, सेम प्रोसेस है। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो और आपके पास वो वाला है तो आप सेम प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आप लोगों की। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सिड ड्रम्स।